नमस्कार सभी को, मैं आर के सैनी। दोस्तों, अपने लास्ट क्लास के अंदर आपने जाना है कि जो भी ज़िले हैं राजस्थान के, जो नए ज़िले बने हैं, उनसे संबंधित अपन ने एक पूरा मैराथन लिया है। आज की क्लास में जो जो पर्सन वहाँ से बन सकते हैं, वो पर्सन आपके सामने लेके आया हूँ। दूसरी बात, आपको अभी बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ के जाना वहाँ से, क्योंकि राजस्व विभाग ने अभी कोई ऑथेंटिक सीमांकन उनका नहीं किया है। इसलिए अभी जो ओवरऑल जिस प्रकार के प्रश्न आप यहाँ पे देखोगे स्लाइड पे, उन प्रश्नों को भी अगर पढ़ के चले जाओगे, शायद एक क्वेश्चन आपका ठीक हो जाएगा। साथ में अपने विश्व भूगोल की सीरीज चली रही है, साथ में अपन जिलों के जो जो जिस जिस जिले से जो जो प्रश्न बन सकते हैं, उससे संबंधित अपन बात करने वाले हैं इस क्लास के अंदर। तो आज तो मिक्स प्रश्न करेंगे और उसके बाद में अपन धीरे धीरे जो भी जिले हैं उनमें जो भी 10-15-20 क्वेश्चन जो भी बनते हैं, तो एक एक जिले के अपन पर्टिकुलर स्टार्ट करेंगे। तो आइए बिना टाइम गवाए आज इसकी शुरुआत करते हैं सीरीज की। तो पहला क्वेश्चन देखो आपके सामने है, पहले इस क्वेश्चन को पढ़ो आप, उसके बाद में इसका जवाब देना है। देखो, गलत कथन को छांटना है, प्रश्न आपके सामने है, गलत कथन को छांटना है इनमें से। नवीनतम जिला अनूपगढ़ गंगानगर से अलगकर बनाया गया है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सही बात है। अनूपगढ़ का प्राचीन नाम बताया था मैंने मैराथन के अंदर कि अनूपगढ़ का प्राचीन नाम क्या था, चुंगेर था। अनूपगढ़ घग्गर नदी से सिंचित है, तो आपको देखो पता होगा कि घग्गर नदी राजस्थान के दो जिलों से बहती थी पहले, अब उसमें एक जिला और ऐड कर लेना है। घग्गर नदी जो शिवालिक से निकल के आती है, आपको यह भी जानते हैं आपकी हिमालय से निकलने वाली राजस्थान में एकमात्र नदी बहती है जो हिमालय से निकल के आती है, उसका नाम है घग्गर नदी, जो हनुमानगढ़ गंगानगर और बाद में पाकिस्तान जाती थी। अब ये अनूपगढ़ और जोड़ लेना उसके अंदर, तो अनूपगढ़ घग्गर नदी से सिंचित है, प्राचीन नाम चुंगेर है। उसके बाद में देखो अगला, अनूपगढ़ जिले की सीमा पाकिस्तान व पंजाब से लगती है, तो आपको पता है कि अनूपगढ़ इस साइड में देश लगता है जिस देश का नाम है पाकिस्तान, और इस साइड में देखो स्टेट लगता है पंजाब। अब पाकिस्तान के साथ में तो अनूपगढ़ की सीमा लगती है, लेकिन क्या पंजाब के साथ में लगती है? तो पंजाब के साथ में तो वही दो जिले आज भी सीमा बना रहे हैं, कौन सा, जो गंगानगर और आपका हनुमानगढ़ है। पाकिस्तान की सीमा अनूपगढ़ के साथ में लगती है, लेकिन पंजाब के साथ में नहीं लगती है, तो ये बात जो है ये बिल्कुल आपकी क्या हो जाएगी, ये इसमें से गलत कथन हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्योंकि गलत कथन इसमें से छांटना था, ठीक है। दूसरा प्रश्न देखो, निम्न में से कौन से जिले की सीमा हरियाणा से नहीं लगती है? एक जिला है कोटपुतली बैरोड, एक जिला है खेरथल तिजारा, डीग नीम का थाना, सिक्कर व जयपुर। ये ऑप्शन है आपके सामने, और इनमें से आपको ये छांटना है कि कौन से जिले की सीमा हरियाणा के साथ में नहीं लगती है। तो कोटपुतली बैरोड नया जिला बना है, लगती है हरियाणा के साथ में। खेरथल तिजारा नया जिला बना है, लगती है। डीग और नीम का थाना भी नए जिले हैं, इनकी सीमा भी हरियाणा के साथ में लगती है। सिक्कर और जयपुर की सीमा अभी नहीं लगती है। देखो, आपने याद रखा था, मैंने मैराथन क्लास ली थी उसमें बताया था कि इसमें एक जिला है कौन सा, नीम का थाना। इस नीम का थाना से आप ऐसे याद रख लेना, नीम का थाना साथ में कौन सा राज्य की बात कर रहे हैं, अपन हरियाणा की बात कर रहे हैं। तो नीम से मैंने देखो आपको ये बताया था कि नीम की लकड़ी क्या होती है, आली होती है, तो अलवर याद रखा। नीम की लकड़ी खारी होती है, आपने खेरथल याद रखा। नीम की लकड़ी खाने से क्या हो जाता है, पुतली फिर जाती है, तो आपने कोटपुतली याद रखा, ठीक है। और कोट नीम की लकड़ी खाने से पुतली फिर जाती है, उसके बाद में झुंझुनाहट आना शुरू हो जाती है, तो आपने झुंझुनू याद रखा। और आदमी उसके बाद में क्या हो जाता है, डगमगा जाता है, तो डीग याद रखा। उसके बाद में व्यक्ति को क्या करते हैं, व्यक्ति को कुछ मीठा खिलाते हैं, मीठा खिलाने के लिए चूरमा खिलाया, चूरू याद रखा। और उसके बाद में भी इलाज ठीक प्रकार से नहीं हो पाया, तो आपने हनुमान जी के पास में उसको लेके गए, वहां पे उसका शायद प्रॉपर इलाज हो चुका होगा, तो हनुमानगढ़ याद रखा। इस तरीके से मैंने आपको बताया था कि हरियाणा के साथ में कौन कौन से जिले हैं जो सीमा बनाते हैं। तो हरियाणा के साथ में वर्तमान में कितने जिले सीमा बनाते हैं, 8 जिले सीमा बनाते हैं। पहले हरियाणा के साथ में 7 लगते थे, अब वर्तमान में हरियाणा के साथ में कितने जिले हैं, 8 जिले हैं। इन 8 जिलों को आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं, एक जिला है नीम का थाना, दूसरा अलवर है, तीसरा खेरथल तिजारा है, कोटपुतली है, झुंझुनू है, डीग है, चूरू है, और उसके बाद में कौन सा जिला है, हनुमानगढ़ है। तो कितने जिले हो गए, 8 जिले सीमा बनाते हैं किसके साथ में, हरियाणा के साथ में। कौन से कि नहीं लगती है ये पूछा आपसे, तो सीकर और कौन सा हो जाएगा आपका, झुंझुनू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से सबसे कम जिलों वाला संभाग
क्वेश्चन आपके सामने है और सबसे कम जिलों वाला संभाग पूछा है, उसमें से एक पाली है, सीकर है, बांसवाड़ा है, उदयपुर है। तो मैंने सारे संभाग आपको ट्रिक से याद करवाए हैं, अब वो ट्रिक से आप देख लेना कि किस किस प्रकार कौन कौन सा संभाग में कौन कौन से जिले याद रखने हैं। उदयपुर संभाग में बताया था मैंने 5 जिले आते हैं, बांसवाड़ा संभाग में 3 जिले आते हैं, सीकर संभाग में 4 जिले आते हैं, पाली संभाग में कितने जिले आते हैं, 4 जिले आते हैं। इसका मतलब सबसे कम संभाग, सबसे कम जिलों वाला संभाग कौन सा हो गया, तो ये आपका आंसर हो जाएगा कौन सा, बांसवाड़ा। अब आप कहोगे बांसवाड़ा में कौन कौन से आते हैं, तो बांसवाड़ा में एक तो बांसवाड़ा जिला खुद ही हो गया, बांसवाड़ा के साथ में कौन सा आता है, डूंगरपुर, और डूंगरपुर के साथ में एक आपको याद रख लेना कौन सा, प्रतापगढ़। कैसे याद रखना है ये आपको मैंने उस क्लास में करवाया सारे संभाग कि किस प्रकार से इन संभागों को आप याद रख सकते हैं। तो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, ठीक है, ये आपका बांसवाड़ा संभाग, आपका सबसे कम जिलों वाला संभाग कौन सा हो गया, बांसवाड़ा हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के कितने जिले पाकिस्तान को सीमा को स्पर्श करते हैं, तो अपने सारी बात की है क्लास के अंदर, इसका आंसर बताइए आप, 4 जिले, 6 जिले, 8 जिले, 5 जिले। तो पहले आप पाकिस्तान के साथ में राजस्थान के 4 जिले पढ़ते थे, अभी 4 नहीं लगते हैं, अभी जिले लगते हैं कितने, 5 लगते हैं। कौन कौन से लगते हैं, तो बाड़मेर तो पहले भी लग रहा था, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, जैसलमेर पहले भी लग रहा था, कोई दिक्कत ही नहीं है, जैसलमेर के बाद में बीकानेर की सीमा भी लग रही थी, कोई समस्या नहीं है। एक यहां पे जिला बना है, उस जिले का नाम है अनूपगढ़, और उसके ऊपर गंगानगर पहले से लग रहा है। कैसे याद रखा, तो SBBJ, कौन सा सूत्र, SBBJ, और SBBJ AM पे खुलता है, मैंने बताया था आपको। तो SBBJ से कैसे याद रखोगे, S से श्रीगंगानगर हो गया, B से बाड़मेर हो गया, B से बीकानेर हो गया, और J से जैसलमेर हो गया, और AM का मतलब अनूपगढ़। इसका मतलब वर्तमान में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के साथ में राजस्थान के कितने जिले लगते हैं, 5 लगते हैं। कितने लगते हैं, 5। पहले कितने लगते थे, 4 लगते थे। राजस्थान के पाकिस्तान के कितने लगते हैं, 9 लगते हैं, अभी उसकी बात अपन नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको याद रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से सही चुनिए, ये आपके सामने है, इसको आप एक बार पढ़ो आराम से, और उसके बाद में इनमें से सही जो भी कथन है, सही कूट जो है, उसका चयन आपको करना है। एक तरफ संभाग है और एक तरफ आपका जिला, यानी कौन से संभाग में कौन सा जिला आता है, और ये आपको याद होना चाहिए। एक प्रश्न ऐसे ही आएंगे, बाकी बहुत ज्यादा डिटेल में अभी नहीं आएगा, आप ऐसे प्रश्नों को जरूर ध्यान में रख के जाना, दुनिया भर की बातें पढ़ लेते हैं लेकिन प्रश्न अभी इस टाइप का बनेगा, तो ये आपको जरूर सीख के जाना है कि कौन से संभाग में कौन सा जिला है। अब देखो बात कर लेते हैं, सबसे पहले जिलों की बात करें, जयपुर संभाग, तो जयपुर संभाग में यहाँ पे कौन सा है, दुद्दू, अभी जयपुर से अलग करके दुद्दू को बनाया गया है, तो दुद्दू कौन से संभाग में आ जाएगा, बोलो, जयपुर संभाग में आ जाएगा। इसके बाद में देखो केकड़ी, केकड़ी आपको पता है अजमेर से अलग किया गया है, तो अजमेर संभाग में आ जाएगा। सलुम्बर, सलुम्बर आपको पता है उदयपुर से अलग किया गया है, तो उदयपुर संभाग में आ जाएगा। बालोतरा, बालोतरा आपको पता है बाड़मेर से अलग किया गया, और बाड़मेर कौन से संभाग में था, पहले जोधपुर संभाग में था, यह भी जोधपुर संभाग में आ जाएगा। इसका मतलब देखो एक भी मैच हो जाएगा तो शायद हो जाएगा आंसर, जयपुर संभाग डी, एक में डी है, तो पहले में डी अपन देख लेते हैं, तो डी यहां पे देखो दो जगह पे है, इसमें और इसमें, तो ये तो वैसे ही नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद में एक में डी है, जोधपुर संभाग ए, तो दो में ए, इसका मतलब ये आंसर हो जाएगा, इसका कौन सा, बी आंसर। तो आप जोधपुर संभाग, जयपुर संभाग, उदयपुर संभाग, इनके सारे जिलों को मैंने ट्रिक से याद करवाया है, अगर आपने वो नहीं देखा तो जाके देख लेना, 2 घंटे की क्लास है, उसमें सारा कवर हो जाएगा आपको, ठीक है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, जैन विश्व भारती संस्थान कहां पे है, तो जैन विश्व भारती संस्थान आपके सामने ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है, लाडनू नागौर, लाडनू डीडवाना, सीकर, समदरी बालोत्रा। अब देखो आपको बताना है कि जैन विश्व भारती संस्थान कहां पे है, तो लाडनू के अंदर है, कहां पे है, लाडनू। अब आप कहोगे सर लाडनू तो नागौर में है, तो लाडनू नागौर में नहीं है, लाडनू अब कहां पे चला गया, डीडवाना कुचामन जो नया जिला बना है उसमें चला गया। इसका मतलब आपको बताना है कि लाडनू डीडवाना ये राइट आंसर होगा, किसकी बात कर रहे हैं, जैन विश्व भारती संस्थान की बात कर रहे हैं। इसका मतलब इस तरीके की जानकारी आपको जरूर याद रखनी है, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अभी यही है, कौन सा संस्थान जो इंपॉर्टेंट है। देखो संस्थान बड़ी होती है और वहां पे बहुत सारे ऐसे काम होते हैं, इसका मतलब संस्थाएं जितनी भी है वो आपको जरूर पढ़ के जानी है, कौन सी संस्था कौन से जिले में चली गई है, ठीक है। नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन, गलत कथन को छांटना है, आपके सामने 4 ऑप्शन है, जल्दी से फटाफट इनको पढ़ो एक बार, बाद में इसकी बात करते हैं।
तो गलत कथन को छांटना है। सबसे पहले जो भी ऊपर पर्सन लिखा होता है उसको बहुत ढंग से वर्तमान में पढ़ना है कि गलत कथन पूछना है, सही कथन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है इसके अंदर। पहला पॉइंट देखो इसमें, पचपदरा रिफाइनरी बालोतरा जिले में स्थित है। आपने पढ़ा था पचपदरा रिफाइनरी कहां पे है, बाड़मेर जिले में। और पचपदरा रिफाइनरी के बारे में बहुत कुछ हुआ है, कई बार इसका उद्घाटन हुआ, बाद में इसका काम चालू हुआ, वो डिटेल में अपन बाद में बात करेंगे कब कब इसका किस किस ने उद्घाटन किया। तो पचपदरा रिफाइनरी जो है पहले बाड़मेर जिले में थी, वर्तमान में कौन से जिले में है, बालोतरा जिले में है, एकदम सही बात है। पचपदरा झील भी कहां पे है, यह भी बालोतरा जिले में आ चुकी है, पहले बाड़मेर जिले में थी। एक देखो इतिहास प्रसिद्ध सिवाना दुर्ग, सिवाना दुर्ग आज तक बाड़मेर में पढ़ते आ रहे थे आप, अब सिवाना दुर्ग वर्तमान में कौन से जिले में है, बालोतरा में है, यह बात भी बिल्कुल राइट है। गलत कथन को छांटना है, बायतू तेल का कुआं, देखो क्या लिखा हुआ है, बाड़मेर, और आपको पता है बायतू वर्तमान में बाड़मेर के अंदर, बालोतरा के अंदर क्या है, तहसील है, इसका मतलब बायतू तेल का कुआं कहां पे चला गया, बोलो बालोतरा के अंदर चला गया, कहां पे चला गया, बालोतरा। इसका मतलब डी वाला जो है ये कथन आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से सही कथन को चुनना है। देखो पिछले वाला प्रश्न था गलत कथन को चुनना है, अब की बार कौन सा कथन है, सही कथन को चुनना है। देखो सही इसका मतलब तीन गलत होंगे और एक कोई कोई बात सही होगी इसमें। गणेश्वर सभ्यता, आप पढ़ लो प्रश्नों को जल्दी से, गणेश्वर सभ्यता सीकर जिले में स्थित है। अब आज तक गणेश्वर सभ्यता आप सीकर में पढ़ते आ रहे थे, लेकिन अभी किसमें चली गई, बोलो नीम का थाना जिला, नीम का थाना, ठीक है। तो गणेश्वर सभ्यता कहां पर चली गई, नीम का थाना के अंदर। इसका मतलब यह बात आपकी क्या हो गई, गलत हो गई। राजस्थान में वर्तमान में 50 जिले, बहुत बढ़िया, 50 जिले हैं और 15 क्या हैं, संभाग हैं। इसका मतलब 15 संभाग नहीं है राजस्थान में वर्तमान में, संभागों की संख्या कितनी है, 10 है। जिले ठीक है, संभाग कितने हैं, 10 संभाग है। राजस्थान में 3 नए संभाग, अब नए संभाग मैंने बताए थे ट्रिक से कि कौन कौन से संभाग कैसे याद रखने हैं, तो नया संभाग पाली बना है, सीकर बना है और बांसवाड़ा बना है, तो ये बात बिल्कुल राइट है। अगला देखो, नए जिलों का गठन जेपी चंदेलिया समिति की सिफारिश पर किया गया। अब यहां पे जेपी चंदेलिया समिति नहीं याद रखनी है, यहां पे एक समिति है जिसका नाम है राम लुभाया समिति, और इस राम लुभाया समिति की सिफारिश पर ही नए जिलों का गठन किया गया, जिनकी संख्या 50 जिले और आपके 10 क्या है, संभाग है, जिसमें से 3 संभाग पाली सीकर बांसवाड़ा को नया संभाग बनाया गया है, ठीक है। इसका मतलब ऐसी बातें आपको जरूर देख के जानी है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ताम्बर नगरी किस जिले को कहा जाता है, ताम्बर नगरी आप पढ़ते आए थे, जिला था झुंझुनू, और इस झुंझुनू की बात की जाए तो झुंझुनू के अंदर एक जगह है जिसका नाम है खेतड़ी, और ये खेतड़ी वर्तमान में कहां पे चला गया, ये नीम का थाना में चला गया, और नीम का थाना में चला गया इसका मतलब ताम्बर नगरी जो है वो किसको बोलेंगे, नीम का थाना को बोलेंगे, ठीक है। तो ताम्बर नगरी के नाम से कौन जाना जाएगा, नीम का थाना। और इसी नीम का थाना में देखो एक दो आपने बताई थी मैंने, एक यहां पर चली गई कौन सी, गणेश्वर सभ्यता जो पहले सीकर जिले में थी वो भी नीम का थाना में, और एक आपकी झुंझुनू की जो सभ्यता थी जिसका नाम था सुनारी सभ्यता वो भी आपकी कहां पे चली गई, नीम का थाना में। इसका मतलब ये नीम का थाना अभी आपको पढ़ के जाना है, गाना भी बन चुका है नीम के थाने के ऊपर कि जिला नीम का थाना। अगला प्रश्न देखो, विराटनगर किस जिले के अंतर्गत आता है, विराटनगर बहुत फेमस है राजस्थान के अंदर। आपको पता होगा कि जब पांडवों ने अज्ञातवास बिताया था तो विराटनगर उसके लिए बहुत फेमस है। ये आपका जो है विराटनगर वर्तमान में आपसे ये पूछना चाह रहा है कि किस जिले के अंतर्गत आता है। तो पहले विराटनगर कहां पे था, जयपुर, और यहीं पे भाबरू शिलालेख भी है तो उससे संबंधित भी विराटनगर प्रसिद्ध है। अब ये देखो जयपुर में नहीं आके अब ये विराटनगर आपका कौन से जिले में पढ़ के जाना, आपको कोटपूतली बैरोड के अंदर पढ़ के जाना है। कौन से जिले में, कोटपूतली बैरोड, बहुत फेमस जगह है विराटनगर, एग्जाम में बार बार प्रश्न आता है, अब की बार भी पूछ सकते हैं, इसलिए आपको देख के जाना है कि विराटनगर कौन से जिले के अंतर्गत है। तो विराटनगर आपका कोटपूतली बैरोड के अंदर आप पढ़ के जाओगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन थे आपके एग्जाम के लिए। उसके बाद में अपन ये करेंगे कि जो भी जिले नए बने हैं उन जिलों से जो जो पर्सन बन सकते हैं 10-10, 15-15 क्वेश्चन, उसका एक अलग से जिले वाइज अपन और पर्सन लेके आएंगे। आज ये मिक्स पर्सन थे, ये भी रट जाओगे ना तो मेरे को लग रहा है कि यहाँ से पर्सन आने की पूरी संभावना है। आप इनको जरूर देख के जाना। साथ में अपना विश्व भूगोल वाला सीरीज चली रही है
और साथ में अपने जो भी हैं जिलों से संबंधित जो भी पर्सन है वो आपके कवर करवा देंगे। अभी बहुत ज़्यादा डिटेल में ऐसे सवाल नहीं आएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू सभी लोगों को, धन्यवाद।